नमस्कार पशु पालक मित्रों, मेरा नाम सुकुमार शर्मा है। मैं एबीएस इंडिया में बिजनेस मैनेजर हूं और बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा और नॉर्थ ईस्ट स्टेट देखता हूं। आज हम मोकामा के सुप्रसिद्ध डेयरी फार्म में, जिसका नाम है यूनिक डेयरी फार्म में है, और यहां पर एबीएस इंडेवर की एक डॉटर जिसने बच्चा दिया है, और बच्चा दिए हुए अभी 8 से 8-9 रोज हुआ है और इसका मिल्क प्रोडक्शन अभी 22 लीटर है, और इसके बारे में हम और डिटेल में जानकारी लेंगे। हमारे साथ इस फार्म के ऑनर मोहन सर हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। इस बच्चिया के बारे में थोड़ा बताया जाए कि इसकी माँ का दूध कितना था और अभी ये कितना दूध दे रही है, कितने महीने में ये माँ बनी है, और इसका ओवरऑल परफॉर्मेंस आपने कैसा देखा है सर? इसकी माँ का तो सर 15-16 लीटर दूध था थर्ड लैक्टेशन में 15-16 लीटर। हाँ। जी सर। और इसका अभी बच्चा दिए हुए कितना दिन हुआ सर? 8 दिन हुआ है। 8 दिन बच्चा दिए हुए हुआ है। और सर इसका मिल्क प्रोडक्शन कितना है अभी? अभी 21-22 चल रहा है। अभी 8 दिन में 21-22 लीटर पर है। फीडिंग विदाउट फुल फीडिंग अभी फीडिंग पूरी तरह से नहीं की जा रही है। हाँ। फिर भी 8 दिन में ये 21-22 लीटर पे है, जबकि इसकी माँ के बारे में उन्होंने बताया कि थर्ड लैक्टेशन में 16 लीटर पे थी सर। तो आपको क्या लगता है उम्मीद की सर, अगर फुल फीडिंग जब इसकी होगी तो ये कितना प्रोडक्शन पे जाएगी? और इसका आप अडर अटैचमेंट भी देख सकते हैं और इसका बॉडी स्ट्रक्चर और सारी चीजें आप देख सकते हैं सर। तो आपको क्या लगता है कि कितना? तो 30 लीटर लगता है आराम से 30-30 लीटर। हाँ। प्रोडक्शन के आसपास में जाएगी। और सर ये कितने महीने में मतलब बच्चा दे दी थी, मां बन गई थी सर? 24 महीने। ये 24 महीने कंप्लीट 2 साल होते होते इसने बच्चा दे दिया था और 2 साल में ये गाय बन गई है। फर्स्ट लैक्टेशन में अभी बच्चा देने के ठीक 8वें दिन अभी 22 लीटर पे है, जबकि सर ने बताया कि अभी फुल फीडिंग नहीं चल रही है। सर इंडेवर के अलावा आपके पास फार्म में और सी भी आपने एबीएस की मतलब बुल सिलेक्ट किए थे, तो और सब बुल और से जन्मी बच्चे का क्या मतलब परफॉर्मेंस है, एबीएस के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? कोई भी एबीएस की बच्चिया मेरे यहाँ 25 से नीचे नहीं की है। अच्छा, कोई भी एबीएस की डॉटर 25 लीटर से कम मिल्क प्रोडक्ट आपके पास नहीं की है? तो सर आप चूंकि पशुपालक हैं और काफी जागरूक पशुपालक हैं, तो आपके आसपास में भी काफी पशुपालक हैं और वो लोग अगर आपसे आप उनको कोई सजेशन देना चाहें, सुझाव देना चाहें, तो सीमेन के बारे में क्या देना चाहेंगे कि कैसा सीमेन लगाना चाहिए जिससे उनको अधिक से अधिक प्रोडक्शन मिले और लंबे समय तक दूध मिले? सर हम तो एबीएस का ही कहेंगे सीमेन लगाने के लिए। जी सर। बुल सेलेक्ट कर लें अपने हिसाब से, कोई भी किसान हो। जी सर। गाय को देखते हुए। जी सर। मतलब सर ने बताया कि गाय को देखते हुए आपको बुल सिलेक्ट करना है और बुल सिलेक्ट करने के बाद आपको उस बुल से ब्रीड करना है। हाँ। और सर ने जैसा अपना अनुभव साझा किया कि इन्होंने लगभग 4-5 बुल एबीएस के यूज किए थे और किसी भी बुल की बच्चिया जब मिल्किंग में आई तो 25 से कम नहीं। नहीं, कोई नहीं। तो आप कोई कुछ बुल रिकमेंड करना चाहेंगे एचएफ के, स्पेशली चूंकि आपने एचएफ ब्रीड ज्यादा रखा है सर, कोई आपका पसंदीदा बुल एचएफ में 2-3 बुल आप बता सकते? सबसे ज्यादा ब्रूट और ब्रावो लगा है। ब्रूट और ब्रावो इन्होंने 2 पकड़ा है, जैसे कि आप जानते हैं ब्रूट काफी अच्छा बुल है और ब्रावो भी काफी अच्छा बुल है। तो हम मतलब सर का सुझाव है कि आप ब्रूट और ब्रावो यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ एबीएस में स्पाइक है, आर्माडा है, हैमर है, स्ट्राइकर की भी डॉटर सर के फार्म पे है। वो देखिए, स्ट्राइकर की डॉटर बैठी हुई है और 15 से 20 दिन में वो बच्चा देने वाली है। तो आप सर ने उधर ब्रावो है, इन्होंने ब्रावो भी काफी किया है, ब्रूट भी यूज किया है, अभी कुछ जगहों पर इन्होंने स्पाइक, आर्माडा, हैमर भी यूज किया है। तो पशुपालक मित्रों, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि अगर एचएफ में आप ब्रीड कर सकते हैं तो स्पाइक, आर्माडा, हैमर, ब्रूट, स्ट्राइकर, ब्रैबो, डस्टर, पाइपर, ये सब शॉप के बुल हैं। और जैसा कि मोहन सर ने बताया कि अपने जानवर का पहले आप एग्जामिन करें और उसके अनुसार आप क्या बढ़ाना चाहते हैं, किस रेट पे काम करना चाहते हैं, मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं, फैट परसेंटेज बढ़ाना चाहते हैं, या बॉडी स्ट्रक्चर, ऑर्डर कंपोजिट स्कोर, ये सब के अनुसार आप बुल का सिलेक्शन करें, क्योंकि हर बुल की खासियत कुछ अलग होती है और हर बुल कुछ अलग अलग मामलों में काफी अच्छा परफॉर्मेंस देता है। तो इस तरह से आप बुल का सिलेक्शन कर सकते हैं सर। और ओवरऑल आप एबीएस के बारे में एक्सपीरियंस एक बार शेयर कर दीजिए ताकि दूसरे फार्मर भी मतलब एबीएस को सिलेक्ट कर सके। एबीएस सीमन का प्रयोग हम पिछले तीन साढ़े तीन
साल से कर रहे हैं। जी सर, धन्यवाद सर। और जब से मैं कर रहा हूँ जी सर, मेरे डेयरी का दशा और दिशा दोनों बदल चुका है। धन्यवाद सर। मेरी पहली जो बछिया आई थी जिस समय हम खरीद के लाए सब जगह से, जी सर, वो सब बछिया को भी हम तैयार किए। जी सर। कोई भी बछिया 17, 18, 19 से ज्यादा नहीं की फर्स्ट लैक्टेशन। जी सर। और जब जब एबीएस की बछिया मेरे पास आने लगी, जी सर, तो 25 तो मिनिमम है। कोई कोई बछिया, 2-3 बछिया मेरे पास ऐसी आई है जो 32-33 की है फर्स्ट लैक्टेशन। 32-33 की है सर। तो सर आपने जैसा कि बताया कि कोई भी बछिया 25 से कम नहीं की और कुछ बछिया तो 30-32 लीटर प्लस में भी गई फर्स्ट लैक्टेशन में, तो आप फैट परसेंटेज के बारे में भी थोड़ा बताइए, क्योंकि किसानों का कंसर्न रहता है कि एचएफ में फैट परसेंटेज हमको काफी कम मिलता है, तो आपको अभी कितना फैट मिल रहा है परसेंटेज? फैट परसेंटेज हमको कभी भी 4-0 से नीचे नहीं आया। 4-0 से नीचे कभी भी नहीं आया। और सर SNF? SNF 8.5। तो आप किसान मित्रों आप देख सकते हैं कि इनको फैट परसेंटेज 4-0 से ऊपर ही मिला है, नीचे नहीं मिला है, और SNF 8.5 से नीचे नहीं मिला है। तो आप लोग इनकी सलाह के अनुसार अपने फार्म के लिए बुल सिलेक्ट करके और ABS का सीमेन का चयन कर सकते हैं और अपने फार्म पे लगा के अपने फार्म को और प्रोग्रेसिव बना सकते हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद।